मीजल्स और रूबेला की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत कल से की गई, जहां कल कुछ स्कूलों में इसका टीकाकरण भी किया गया था। बता दें कि यह अभियान 15 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जिसके तहत 5 माह से लेकर 15 साल तक के सभी बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। लग गया? हाँ। एक बार वैसे बना दो, इंजेक्शन लगा दो थोड़ा सा, सब उधर भी देखना बच्चे तरफ। थैंक यू। एक बाहर निकल के मेरे को भी ग्रुप में डाल जाओ। अब ठीक हो? क्या बात है, ये मीजल्स रूबेला कार्यक्रम है और अभियान है ये मीजल्स रूबेला का। इसमें एक ही टीके में मीजल्स तथा रूबेला दोनों बीमारियों से बचाव के टीके शामिल हैं। ये शासन की योजना है, 9 माह से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों को ये टीकाकरण किया जाएगा। जो मीजल्स है उसको खसरा भी बोलते हैं और रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। मीजल्स में बुखार आता है, अगर टीका ना लगाओ तो बुखार आता है, दाने पड़ जाते हैं और दिमाग में भी बुखार चढ़ सकता है, निमोनिया हो सकता है और ठीक होने के बाद टीबी की बीमारी हो सकती है। जबकि रूबेला बीमारी जो है, यदि गर्भवती माता को पहले 3 माह के अंदर गर्भ के उसको ये बीमारी हो जाती है तो बच्चे का दिमाग छोटा हो जाता है जो पैदा होगा आगे चल के, और इसके अलावा वो अंधा या बहरा हो सकता है और उसके दिल में छेद हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, शासन 2020 तक मीजल्स को उन्मूलन करना चाहती है और रूबेला को कंट्रोल करना चाहती है।